Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। वीडियो प्ले करने के लिए धन्यवाद, और अगर ये वीडियो एंटरटेनिंग लगे तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए कहना मेरा फर्ज बनता है। कट कर देना प्लीज। मेरे बचपन के दौरान मेरी फैमिली में हमेशा ऐसा होता था कि पापा मैच देखते थे और जैसे ही ऐड आते थे मम्मी सीरियल लगा देती थी। शायद आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता होगा। नहीं। और उस समय के सीरियल कुछ देखने लायक होते भी तो थे, कुछ सेंस और लॉजिक भी होता था। लेकिन आजकल के सीरियल बियॉन्ड लॉजिक, बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड अर्थ, बेंचोत, बियॉन्ड सोलर सिस्टम चले गए हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चला है लोगों को क्या मजा आ रहा है लॉजिक लेस चीजें देखने में। तो आइए ले चलते हैं आपको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ले चलते हैं आपको टेलीविजन की पैरेलल दुनिया में, जहाँ नागिन से लेकर मंदबुद्धि बहुए और 10% एक्टिंग से लेकर 90% तक धूम तनाना देखने को मिलेगा। ये क्या महसूस हुआ मुझे? ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बुरी काली तामसिक शक्ति मेरे आसपास हो, वो जो भी है इसी टेबल पे है। है? महसूस हुआ? या कौन सी शक्ति है जो नाश्ते के वक्त महसूस हो रही है? कहा था इतना मेकअप मत करो, चढ़ गया ना दिमाग में। और इन दोनों को देखो, ये दोनों अलग ही मस्ती में चल रहे हैं। आज रात को फिर बाहर चलें? नेकी और पूछ पूछ। डार्लिंग, आज रात को मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। यह नागिन की फट के चार हुई पड़ी है, और ये दोनों रात का जुगाड़ बिठा रहे हैं। इमोशन आउट टाइम। आइए आगे देखते हैं। इससे अच्छा कि मुझसे शादी कर लो और मेरी रानी बन जाओ। कितना भरा बैठा होगा ये आदमी, जिसको नॉर्मल लड़की ना मिली तो नागिन पे डोरे डालने शुरू कर दिए। बेटा तेरी उससे शादी भी हो गई तो क्या फायदा, हनीमून पे ब्लोजॉब देते हुए डस लिया तो तेरे अंडे फूट लेंगे। अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा वाहियत बकचोदी मैंने नहीं देखी। वहाँ वो शादी के प्रपोजल दे रहा है, यहाँ ये शाहरुख खान बनके नागिन गोद में उठा रहा है। असली जिंदगी में कौन है वो जिसका सांप को देखकर खड़ा हो जाता हो? ये क्रिएटिविटी सिर्फ इंडियन सीरियल्स में ही देखने को मिलती है। आइए अगला देखते हैं। मुझे पता है अब क्या आने वाला है। क्या मतलब, ये सर्फ का एड नहीं है? सोचो आधी रात को तुम्हारे घर की बेल बजे, तुम गेट खोलने जाओ और इसी तरह एक एक करके सामने आके कोई ऐसे खड़ा हो जाए, तुम्हारा तो पता नहीं मेरा मुंह तो निकल जाए खड़े खड़े। अच्छा भले आदमी का चूतड़ खड़ जाए, और ये राजकुमारी ऐसे रिएक्शन दे रही है जैसे इसकी कानपुर वाली मौसी आई हो मिलने। चारू ने तुम लोगों को भेजा है, तूने उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं छोड़ा? तारा अपनी कमर पर हाथ रखकर एटीट्यूड दिखाकर कहती है। ये चारू कितनी हरामी होगी बता, उसके घर पे चुड़ैल भेज दी, और वो भी एक नहीं पूरी बल्क में। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग बिना बुलाए घर के अंदर आओगे कैसे? तू बुलाएगी? खाना खाने बुला रही है ना मौसी की लड़कियों को, जो इतना कैजुअली पूछ रही है। OMG, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू बाहर से आ रही है या घर के अंदर से बाहर जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गॉड, इतनी सारी मक्खियाँ, मैंने इतनी सारी मक्खियाँ कभी नहीं देखी। ये मक्खियाँ भी बदबू की वजह से ही है। बदबू और मक्खियाँ तुम्हारे कंटेंट की वजह से आ रही है। अब राइटर बाथरूम की जगह स्क्रिप्ट में हगेगा तो यही होगा ना? बात तो सही है। उसको बोरे की तरह उठा उठा के पटक दिया, तूत के बाल पटक पटक के मार रही है, पर मजाल है मेकअप और बाल जरा से भी हिल जाए अपनी जगह से। इनके हिसाब से सब इनकी तरह मंद बुद्धि बैल है।
मैंने तो छोड़ दिया है इनमें लॉजिक ढूंढना और उम्मीद है आप भी अपना टाइम इस बकचोदी से दूर ही रखेंगे। बाकी एक अच्छी जगह है जहां आप अपने कुछ सेकंड इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ ये बकचोदी यही बंद करते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट एंटरटेनिंग लगा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और मिलते हैं किसी अगले क्रिंज का पर्दाफाश करते हुए। और हाँ, नो पर्सनल हेट।